we'll be carrying on with our chapter number 4 in social studies, that is the western desert. मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि डेजर्ट में लोगों को पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको पानी पीने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है कलेक्ट करने के लिए. एट सम प्लेसेस द ग्राउंड वाटर रीचेज द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू स्प्रिंग्स. कुछ जगह पे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है, आपको पता है ज़मीन के अंदर पानी होता है, तो जो ग्राउंड में पानी है नीचे अंदर अंडरग्राउंड वाटर है, वो वाटर नीचे से होता होता कभी ऊपर पहुंच जाता है सरफेस पे अर्थ की, और अर्थ की सरफेस से बाहर निकल के एक पूल टाइप का बनाना शुरू कर देता है वहाँ पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग. पीपल ग्रो क्रॉप्स पाम ट्रीज एंड ग्रासेस एट्सेट्रा एट सच प्लेसेस. डेजर्ट में जहाँ पे भी स्प्रिंग्स निकल के आते हैं, पानी वहाँ पे जब कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके आसपास क्रॉप्स लगा लेते हैं, पाम ट्रीज लगा लेते हैं या ग्रास वगैरह लगा लेते हैं. जो ये पूरी प्लेस का सेटअप होता है, यानी कि जो स्प्रिंग है, जो पानी ज़मीन से निकल के सरफेस पे आया है वो, प्लस जो लोगों ने आसपास उसके क्रॉप्स और प्लांट्स लगाए हैं, उस पूरे सेटअप को हम डेजर्ट में ओएसिस कहते हैं. व्हाट इज़ द वर्ड ओएसिस. नाउ आई विल शो यू पिक्चर ऑफ ओएसिस, इट्स ड्रॉन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 18. ये देखिए, ये ओएसिस है. ये नीचे से पानी निकल के ऊपर आया है, यहाँ पे पूरा वाटर बॉडी कलेक्ट हो बन गई है, छोटी सी, सारा वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो गया है, और लोगों ने इसके आसपास छोटे छोटे पेड़ सब लगा दिए हैं, तो ये पूरा सेटअप ओएसिस कहलाता है. द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनाल टू फुलफिल द नीड ऑफ वाटर इन डेजर्ट रीजन एंड मेक इट अ ग्रीन लैंड. अब जो लोग डेजर्ट में रहते हैं उनको पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए किसी ना किसी को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कनाल बनाई. कनाल क्या होता है, कनाल इज़ एन आर्टिफिशियल और मैनमेड वाटर बॉडी. एक होता है रिवर, ओशन, सीज, ये सब नेचुरली हैं, गॉड ने बनाए हैं, लेकिन जो कनाल होती है वो मैनमेड होती है. लोगों ने मेन वाटर बॉडी से ऐसे रास्ता काट के और जहाँ पे उनको लेके जाना होता है वो खुदाई करके लेके चले जाते हैं और पानी वहाँ तक बहता चला आता है, तो इस तरह से कनाल बनती है. तो गवर्नमेंट ने जो कनाल बनाई है डेजर्ट रीजन के लिए, दैट इज़ इंदिरा गांधी कनाल, ताकि वहाँ के डेजर्ट रीजन के लोगों को पानी मिल सके और वो थोड़ा सा ग्रीनरी आ सके वहाँ पे, इरिगेशन के मीन से हम पानी पहुँचा सकें पेड़ों को, और पेड़ थोड़े बहुत जो ग्रो हो सकते हैं वो ग्रो कर सकें, डेजर्ट प्लांट्स ग्रो कर सकें. This is the world's longest irrigation canal, which brings water from Satluj River and drains many parts of the desert. ये दुनिया की सबसे लंबी कनाल है जो स्टार्ट होती है सतलज रिवर से. मैंने आपको बताया कनाल बनती है हमेशा एक बड़ी मेन नेचुरल वाटर बॉडी से, वहाँ से खुदाई करके और हम रास्ता दिखाते हुए लेके आते हैं अपने हिसाब से, जहाँ हमको लेके जाना होता है पानी को, उतने ही जगह पे हम खुदाई कर देते हैं और पानी उस डायरेक्शन में बहता हुआ चला आता है. तो ये स्टार्ट होती है, जो इंदिरा गांधी कनाल है ये स्टार्ट होती है सतलज रिवर से, और सतलज रिवर से होते हुए हमने पूरे थार डेजर्ट में इसको वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया हुआ है. मैं दिखाती हूँ आपको सतलज रिवर. नाउ हियर ऑन दिस मैप गिवन ऑन पेज नंबर 7 इन योर बुक्स, यू विल सी दिस रिवर ओवर हियर, दिस इज सतलज रिवर. कैन यू सी द ब्लू लाइन ओवर हियर, ये सतलज है देन इंडस है. तो इस रिवर से, और यहाँ पे ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इस रिवर से हमने एक कनाल डिग करी है और यहाँ तक लेकर आए हैं, ताकि हम सतलज रिवर से इसको पानी पहुँचा सकें. नाउ देयर आर सम नेचुरल फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, बट द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट. कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से डेजर्ट्स बन जाते हैं. ट्रीज़ नहीं होते हैं वहाँ पे तो डेजर्ट बन जाता है, बारिश बहुत कम होती है तो डेजर्ट बन जाता है, ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं. लेकिन कुछ ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं, ह्यूमन एक्शंस भी हैं, जो वो एक्शंस जो हम इंसान करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल लैंड भी कभी कभी डेजर्ट में कट हो जा कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय द मैन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रास लैंड बाय हिज एनिमल्स. अगर हम पूरे पूरे फॉरेस्ट कट कर देते हैं तो सारे ट्रीज ख़त्म हो जाते हैं, उसकी वजह से सॉइल बाइंड नहीं हो पाती. मैंने बताया था आपको रूट्स बाइंड करती हैं सॉइल को, सॉइल को पकड़ के नहीं रख पाते हैं रूट्स, ट्रीज नहीं रहते, तो उससे क्या होता है वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. या तो फिर ओवर ग्रेजिंग करा लेते हैं हम. ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है, ग्रेजिंग मतलब होता है
जब हम एनिमल्स को चराते हैं, ले जाते हैं कहीं फील्ड पे, ग्रीन घास होती है या ब्राउन घास होती है ड्राई वाली, वहाँ पे हम अपने एनिमल्स को, गोट को या शीप को या कोई भी ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स को लेके जाते हैं और उनको वहाँ पे चराते हैं। तो जब वो एक्स्ट्रा हम चरा देते हैं तो क्या करते हैं एनिमल्स, अपनी टंग से जो टॉप सॉयल है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पूरा टॉप फर्टाइल सॉयल हट जाती है और वो डेजर्ट रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली सॉयल इरोजन होता है। द प्रोसेस ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। इस तरह से डेजर्ट बन जाते हैं हमारे एक्शंस की वजह से। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं डेजर्ट्स बनने से? जो नेचुरली है डेजर्ट उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो एरियाज डेजर्ट नहीं है उनको डेजर्ट बनने से कैसे रोक सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू चेक द फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा वी शुड ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन द फार्म्स। जितने भी हमारे पास खेत हैं वहाँ पे, खेतों पे जितने ज़्यादा हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। दीज एक्टिविटीज प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम टर्निंग इन टू डेजर्ट। तो इस तरह ट्रीज प्लांट करने से और क्रॉप्स ग्रो करने से जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने से बच जाता है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी।